5000 सालों से जिंदा है एक व्यक्ति। विज्ञान और तंत्र शास्त्र कहते हैं नहीं, किसी इंसान का 5000 साल तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। हम भी यही मानते हैं कि कोई इंसान या कोई जानवर धरती पर 5000 सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग हर रोज यह दावा करते हैं कि कोई है जो पिछले 5000 सालों से भटक रहा है। वह जगह है मध्य प्रदेश का छोटा सा शहर बुरहानपुर। शहर के किनारे ऊंची पहाड़ी पर बसा असीरगढ़ का किला, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य अपने में समेटे असीरगढ़ का किला। बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तट से 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहीं पर रहने वाले कई लोगों का दावा है कि उन लोगों ने महाभारत काल के एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आज भी जिंदा है। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ और साहित्य सबसे महान ग्रंथ में से एक महाभारत आज भी लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय है। इसकी अद्भुत और रोचक घटनाएं इस ग्रंथ को और भी ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी ही एक घटना है अश्वत्थामा की मृत्यु को लेकर। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन असीरगढ़ के लोग इसे सच मानते हैं। पौराणिक कहानियों के मुताबिक पांडवों द्वारा पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से अश्वत्थामा को विचलित कर दिया था। अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों को मार दिया। फिर पांडव वंश के समूल नाश के लिए अर्जुन की बहू उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु को मारने के लिए ब्रह्म शास्त्र चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र की रक्षा की और अश्वत्थामा को सजा देने के लिए उनके माथे से मणि निकाल ली। अश्वत्थामा की इस कोशिश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया कि तू पापी लोगों का पाप ढोता हुआ 300 साल वर्ष तक निर्जल स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से हमेशा रक्त की दुर्गंध निकलती रहेगी। तू अनेकों रोगों से पीड़ित रहेगा तथा मानव समाज भी तुझसे दूरी बनाकर रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी मौत की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन मौत उसे आज तक नसीब नहीं हुई। वैसे देश में ऐसी कई जगह हैं जहां अश्वत्थामा के होने का दावा किया जाता है, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी में कितनी सच्चाई है यह एक ऐसा रहस्य है जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। ये थी SM News की रिपोर्ट।